नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा पांचवी विषय गणित कालांश आज अंका है 9। पूर्व कालांश 8 में अपने प्रश्नों के माध्यम से जोड़ को हल किया था। आज अपन का अगला प्रश्न है जो घटाव से संबंधित है। प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का योग फल 7678 है। यदि एक संख्या 4613 है तो दूसरी संख्या ज्ञात बताइए। दूसरी संख्या को अपन को ज्ञात करना है। दो संख्याओं के योग फल 7678 है, उनमें से एक संख्या दे रखी है और दूसरी संख्या अपन को ज्ञात करना है। इसके लिए अपन कैसे करेंगे, इसको हल कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। अपन लिखेंगे दो संख्याओं का योगफल है बराबर 7678। यदि एक संख्या है 4613 तो प्रश्न कह रहा है दूसरी संख्या बताइए, तो दूसरी संख्या होगी 12। क्या कहेंगे इसमें, उसमें से एक संख्या बता दी इसने 4613 है, दो संख्याओं का योग 7678 है, एक संख्या दे रखी है 4613 तो दूसरी संख्या अपन को ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या कौन सी होगी, एक संख्या तो ये होगी एक नंबर, दूसरी संख्या अपन को पता करना है। ठीक है, 8 में से 3 कम करते हैं तो बनते हैं 5। 8 में से 3 घटाते हैं तो 5 बनते हैं। 7 में से 1 कम करेंगे तो बनेंगे 6 और 6 में से 6 कम करेंगे तो 0 और 7 में से 4 कम करेंगे तो 3। अब ये एक नंबर संख्या हो गई, ये दो नंबर संख्या हो गई। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न अनुसार अपन चल रहे हैं। दो संख्याओं का योग 7678 है, एक संख्या है 4613, ध्यान से देखना 4613। अब ये कह रहा है दूसरी संख्या कौन सी है, अब दूसरी संख्या अपन के पास में ये आई 3065। अब इन दोनों संख्याओं का ये प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का योग फल 7678 है, तो इन दोनों संख्याओं का अगर अपन योग करते हैं तो ये संख्या आती है 5 6 1 7 0 6 6 4 3 7, यानी एक नंबर और दो नंबर, इन दोनों संख्याओं का योग फल 7678 है, एक संख्या 4613 है तो दूसरी संख्या कौन सी आई 3065। अगला प्रश्न देखेंगे, एक परीक्षा में हिंदी अंकों में दे रखे हैं 4 6 2 264 छात्र सम्मिलित हुए, एक परीक्षा में 264 छात्र सम्मिलित हुए, इसमें से 194 छात्र उत्तीर्ण हुए, कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए, इतने छात्र तो पास हो गए और शेष कितने छात्र इसमें से फेल हो गए, ये इस प्रश्न में अपन को पूछा गया है। अब देखो इसको कैसे हल करना है, परीक्षा में कुल छात्र सम्मिलित हुए बराबर
परीक्षा में छात्र उत्तीर्ण हुए बराबर कितने हुए थे? 194। तो आगे प्रश्न कह रहा है कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए, कितने छात्र फेल हुए। तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या है बराबर क्या करना पड़ेगा? घटाओ। बातें करेंगे तभी पता चलेगा कि भाई इतने छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए 264 और पास हुए 194, तो फेल होने वाले छात्र कितने हैं? 4 में से 4 कम करेंगे तो 0। यहाँ पर 6 है, नीचे 9 है, 6 में से 9 नहीं जा रहे हैं, तो एक पड़ोस के पास उधार लिया हो गए 16 में से 9 कम करते हैं तो कितने बचते हैं? 7। अच्छा यहां पर क्या बचा? 1। 1 में से 1 कट गया 0। कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? 70 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यह आपका उत्तर हो गया। इस प्रकार ये घटाव के प्रश्न अपन हल कर सकते हैं। धन्यवाद।